सत्र के आठवें दिन विधिमंडल परिसर में विधानसभा नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार और विधान परिषद नेता प्रतिपक्ष अंबादास दानवे के नेतृत्व में महाविकास आघाड़ी द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इस समय विपक्ष ने जोरदार नारेबाजी करते हुए सरकार का निषेध जताया गया, जहां पोडियम पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि राज्य उड़ता पंचापुरा है। यह सरकार द्वारा पुरस्कृत ड्रग्स का अड्डा बनता जा रहा है, जिससे युवाओं का भविष्य खतरे में है। सरकार ललित पाटिल जैसे लोगों को सहायता करी है, ऐसा आरोप उन्होंने इस वक्त लगाया। साथ ही साथ ललित पाटिल को संरक्षण दे रहे मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग इस वक्त की गई। की युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है ड्रग्स से, वो हमारे नेबर स्टेट से ये ड्रग्स का संचालन किया जा रहा है। राज्य के अंदर ललित पाटिल जैसे बड़े माफिया को संरक्षण मिल रहा है, उनको पलायन करने के लिए मदद मिलती है, और उसके कार्रवाई में सरकार की कोई गंभीरता नहीं दिखती, सरकार सीरियस नहीं दिखता है। और ये सब जो ड्रग्स का अड्डा महाराष्ट्र बन चुका है, ये सरकार पुरस्कृत है। इनमें पूरे के पूरे मंत्री, अनेक बहुत सारे मंत्री इसमें शामिल है, उनके नाम सामने आ रहे। आज नासिक में जो अड्डा चलाया जा रहा है, उसमें गुजरात से दो हेलीकॉप्टर लेकर आके ये अड्डा चलाया जाता है, और उनके ही माध्यम से अरबों रुपया इस माध्यम से वसूल किया जाता है, और सरकार के प्रतिनिधि, सरकार के मंत्री वसूल कर रहे, इनका पूरा वरदस्त है। तो ये सब भंडाफोड़ करने के लिए हमने बहुत कोशिश की, पर यह सरकार को उनको संरक्षण ही देना है, कार्रवाई करनी नहीं है। जब तक कार्रवाई नहीं होती है, हमारी मांग जारी रहेगी। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां महाराष्ट्र के MSRDC के मैनेजिंग डायरेक्टर के बेटे ने एक युवती को SUV कार से कुचलकर मारने की कोशिश की है। इस घटना के बाद थाने में सनसनी फैल गई। इस मामले में आरोपी पर 307 के तहत गुना दर्ज करने की मांग अंबादास दानवे ने की है, जहां उन्होंने आरोप भी लगाया कि जिस प्रकार के आरोप आरोपी पर लगाए गए हैं, वह सरलता से मुक्त होगा, लेकिन इस गंभीर अपराध का संज्ञान लेते हुए आरोपी पर गंभीर गुना दाखिल करने की मांग विधान परिषद नेता प्रतिपक्ष अंबादास दानवे ने की है। तरुणीवर ज्या पद्धतीने अन्याय झालेला आहे, अत्याचार झालेला आहे, SIT जरी स्थापन झाली DCP अंडर, तरी अजूनही या आरोपीवर 307 कलम टाकलेलं नाही, कारण त्या आरोपीनं बेदरकार वाहन चालवण्याचं जे कलम आहे ते चुकीचं आहे। बेदरकार वाहन चालवणं म्हणजे रस्त्याने स्पीडनी चालवणं, कोणाला तरी उडवणं असं, पण यांनी उडवून पुन्हा रिवर्समध्ये गाडी घेऊन त्या मुलीला फ्रॅक्चर केलेलं आहे, त्यामुळे याच्यात कलम। पोलीस हे जाणीवपूर्वक आरोपीला पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न करत आहेत। कोणतरी राज्याचे MSRDCचे सेक्रेटरी अनिल गायकवाड, त्यांचा मुलगा तो आहे, त्याचे काय व्यावसायिक हितसंबंध ठाण्यामध्ये गुंतलेले आहे, आणि असं असताना त्या मुलीच्या चारित्र्यावर सुद्धा संशय, चारित्र्यावर सुद्धा बोललं जात आहे। म्हणतो ही चुकीची गोष्ट आहे, जो गुन्हा घडला त्याच्यावर कारवाई व्हावी, त्याच्यावर गुन्हा दाखल व्हावा। अशा आता आज जे कलम दाखल केले याच्यावर कोर्ट सहज जामीन होऊ शकतो, पोलिसांनी असे कलम टाकले की त्याचा सहज जामीन होईल, परंतु 307 कलम अजूनही पोलिसांनी टाकलेलं नाही। एपा हे महाराष्ट्र एकाही कोणाच्या घरचं गाव नसतं, कोणतंही ठाणे असेल कोणाचं घरचं नाही येते, या महाराष्ट्रातील जनतेचं आहे, कायद्याचं राज्य आहे, आणि कायद्याचं राज्य आहे म्हणून कायद्याच्या पद्धतीनंच कारवाई करावी लागेल। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहड के साथ मनीष टेमरी की रिपोर्ट।